السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

मैं इसका दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ पहला हिस्सा अगर आपके याद है और आपके जहन में है तो उसमें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना अल्लाह तबारक ने उसके कितने फ़जाइल बयान किए हैं उससे मतलब बात की गई थी और कुछ साहब कराम ने अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च किया है वो वाक़ भी आपके सामने आए थे उस वक्त हजरत स्मान गनी रदी अल्लाह तै के ताल्लुक से बात चल रही थी कि किस्मान गनी रदी अल्लाह तै अल्लाह के रास्ते में किस किस अंदाज से इफ़ाक फ़ी सभी करते थे स्मान गनी ने हमेशा ये कोशिश की कि जो भी वो कमाएँ वह अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दें स्मान गनी मुस्तकिल कमाते इसी के लिए थे कि अगर मुसलमानों को अल्लाह के रसूल शाह को दीन को या समाज में किसी गरीब को मस्किन को मोहताज को बेवा को यतीम को या हाल को किसी भी तरह से माल की ज़रूरत होती तो सबसे पहला हाथ अगर किसी का बढ़ता तो वो नाम था स्मान गनी रबी अल्ला जैसा कि आपको पिछले हिस्से में बताया गया कि कुआं खरीदने की बात आई तो हजरत ऊस्मान गनी ने उसको खरीदा और खरीदने के बाद सदका कर दिया और खरीदने का तरीका ये निकाला कि एक दिन यहूदी पानी लेगा एक दिन उस्मान गनी लेंगे ऊस्मान गनी ने अपना दिन सदका कर दिया आम इंसानों के लिए अब उस दिन लोग पानी लेने लगे यहूदी वाले दिन में कोई पानी निकालता नहीं क्योंकि उसको पैसे से लेना पड़ता था अब यहूदी की तजारत मद्दी पड़ गई वो एक दिन आया उस्मान गनी के पास और कहा कि यह हिस्सा भी आप ही खरीद दो हजरत उस्मान गनी ने वो भी खरीद लिया और वो भी आम इंसानों के लिए वक्फ कर दिया उस्मान गनी रजी अल्लाह तु ने जो कुआं खरीदा है आज तारीख ये बताती है कि लोग वहां बड़ी तसल्ली से बैठते खजूर खाते मीठा पानी पीते और बड़ा चैन सुकून लिया करते थे ये जो गुठलियां इधर उधर गिर जाती लोग फेंक देते उसी से पेड़ हो गए बड़े बड़े पेड़ हो गए और एक बाघ की शक्ल इख्तियार कर मैं सिर्फ नाजरे ने किराम आपकी जानकारी के लिए कि अल्लाह जिसे जिंदा रखता है जो अल्लाह के लिए जीता है जो अल्लाह तबारक की मर्जी पर काम करता है जो ये समझता है कि मुझे अल्लाह तबारक के रास्ते में देना चाहिए तो अल्लाह तबारक भी उसे ज़ाय नहीं होने देता आज भी मदीना की म्यूनिसपलिटी में उस्मान गनी का खाता मौजूद है उनके नाम के बहुत सारे होटल हैं जिससे पैसा आता है किराए पर और फिर वो गरीबों में मिस्किनों में मोहताजों में बेवाओं में अपाहिजों में परेशान हाल लोगों में तस्सीम किया जाता है यानी उस वक्त से लेकर आज तक उस्मान गनी का ये सदक़े जारिया किस्म का जारी हमें भी इस तरह का हौसला बढ़ाना चाहिए जज्बा पैदा करना चाहिए उस्मान गनी की एक और सिफत में आपको बताता हूँ इन फाक सभी के ताल्लुक से कि हजरत उस्मान गनी अपने तई पैसा खर्च करने में उतना इफरात नहीं करते थे अपने ऊपर बहुत ही मुश्किल से पैसा खर्च करते थे तारीख में एक वाकया मिलता है कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा अल्लाह के रसूल बड़ा हाजतमंद हूं मुझे कुछ दिनारो दिरहम में से नवाज दीजिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया देने के लिए मेरे पास भी कुछ भी नहीं है तुम ऐसा करो उस्मान गनी के पास जाओ और मेरा नाम लेना कि मैंने तुमको भेजा ये शख्स हजरत उस्मान गनी रजियला के पास जाने लगा और जब उनके घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो इसे आवाज आई और आवाज इस तरह की आई जो उसने ध्यान दिया कि शायद उनकी बीवी उनसे तेल मांग रही है कि रात में जो तेल जलाया जाएगा चिराग में वो दे दो तो गनी थोड़ा सा आवाज तेज करके उसको एक किस्म के डांट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुमने कल भी तेल मांगा था और मैंने एक नहीं दो दिन का तेल दिया था तुमने एक रात में दो दिन का तेल जला दिया तो ये शख्स वहां से उल्टे पांव वापस आ गया कि जो अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है तेल मांगने पर तो मेरी जरूरत क्या पूरा करेगा अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई आपने पूछा तो कहा कि मैं तो गया था लेकिन मैं रास्ते ही से घर से वापस आ गया मैंने उनसे अपनी कोई जरूरत हाजत बयान नहीं की फरमाया क्यों तो कहा कि वो ऐसे ऐसे तेल के ऊपर अपनी बीवी को डांट रहे थे तो कहा तुम उस्मान को जानते नहीं हो तुम उस्मान के पास जाओ दोबारा और उनसे अपनी जरूरत हाजत रखो और कहो कि मैंने भेजा है ये गए हिम्मत करके कहा उस्मान गनी रबी अल्लाह तु ने दो गधे मंगाए एक पर कपड़े लाद दिए इस पर खाने की चीजें लाद दी और ये कहा कि जाओ ले जाओ कभी भी जरूरत पड़े आ जाया करना वो जो तेल वाली जिंदगी जिसमें अपनी बीवी को डांट रहे थे वो उनकी अपनी निजी जिंदगी थी घर की जिंदगी थी उसमें बड़ा एहतियात करते थे लेकिन जब देने की बारी अल्लाह के रास्ते में आती थी तो उस्मान गनी इतना देते इतना देते इतना देते उसका तस्वर नहीं कर जिस सहाबी के ताल्लुक से भी पढ़ेंगे यही हमें उसमें मिलेगा हजरत अब्दुलरम इबन औद्ह को कौन नहीं जानता हजरत अब्दुलरमान इबन और तालन ने एक बार सात सौ ऊंट सामान से लदा हुआ सारा का सारा ऊंट समीत सदक कर दिया एक मौका आया कि चार हजार दीनार सदकत किए एक मौके पर उन्होंने चालीस हजार दीनार सदक़ किए आपको लगा कि और अल्लाह के रसूल को चाहत है तो फिर चालीस हजार दीनार और किए उसके बाद आता है और चालीस हजार दिरहम उन्होंने किए और उसके बाद एक हजार ऊटनिया उन्होंने सदके में दी उसके बाद उन्होंने सौ ऊंट अल्लाह के रास्ते में दिए देने वाले लोग अल्लाह के रास्ते में देते थे अल्लाह तबारा वैसी नवाजता भी था दरअसल जहनों में अगर कहीं कमी आ जाती है और कमी इस माना आकर आ जाती है कि देंगे कम हो जाएगा खत्म हो जाएगा हमारे पास क्या रहेगा कमाते हम हैं मेहनत हम करते हैं कोशिश हम करते हैं काम हम करते हैं अगर हमने इसको ऐसे लुटा दिया तो हम भी कहीं गरीब ना हो जाए याद रखिएगा इस्लामी उसूल अगर अल्लाह के रास्ते में दिया जाएगा तो वो माल बढ़ेगा घटेगा नहीं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रास्ते में बंदा देता है तो अल्लाह तबारा दाएं हाथ की हथेली पर रखता है उसको और फिर उसे बढ़ाता रहता बढ़ाता रहता बढ़ाता रहता बढ़ाता रहता बढ़ाता रहता तस्वर नहीं कर सकता इंसान के अल्लाह कितना बढ़ा देता है और एक बात और याद रखिएगा ये जो जोड़ घटा हम करते हैं ना दुनिया में जिंदगी में हर काम में कि हमारा कितना अपना फायदा है और दुनियावी फायदे को हम असल फायदा समझते हैं तो इस ताल्लुक से भी अगर समझना हो तो याद रखिएगा अल्लाह के रास्ते में अगर दिया गया है तो सिर्फ आखिरती में फायदा नहीं मिलेगा दुनिया में भी मिलेगा याद है आपको मुस्लिम शरीफ की वो रिवायत बनी इसराइली जमाने का एक वाकया बयान किया गया कि कह साली पड़ गई सारी फसलें सूख गई सूखा पड़ गया बागत जलने लगे उसी में लोग क्या देखते हैं कि आसमान से एक बदली उठी आ रही सबको शौक है कि ये उसके खेत में आकर बरस जाए ये उसके बाग में आकर बरस जाए लेकिन हुआ ये कि वो बदली चलती रही चलती रही चलती रही चलते 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 एक बाग के ऊपर आकर रुक गई और रुकने के बाद वही बरसने लगी ये जिसने बादलों में सुना था कि फला के बाग में जाओ और वहां बरस जाओ ये चलता 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 यह भी वहीं पहुंच गया देखा एक बूढ़ा आदमी अंदर बाग के है और पानी इस पेड़ की तरफ उस पेड़ की तरफ यहां वहां किए जा रहा है इसने उनका नाम पूछा उसने कहा भाई मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो इसने इशरार किया उसने नाम नहीं बताया तो और इशरार किया और नाम नहीं बताया तो उसने राज फाश कर दिया कि मैं तेरा नाम पूछकर जाऊंगा और इसलिए पूछ रहा हूं इशरार कर रहा हूं कि ये जो बादल है ये फला जगह से उठा था वहां मैंने देखा वहां चलते चलते मैंने इसमें आवाज सुनी और आवाज इस तरह की थी कि इसके यहां जाकर बरस जाओ जो नाम बादलों में सुना था वही उसका था तो इसको तजस्सुस हुआ तजस्स इस माना में हुआ कि मुझे ये बताओ कि सारे इलाके में तो सूखा पड़ा हुआ है फसलें जल रही हैं, बागात जल रहे हैं ये तेरे बाग पर अनोखी बारिश जो हो रही है इसकी वजह क्या है उसने कहा जब तुम पूछते ही हो तो मैं अपना राज बता देता हूं और राज ये है कि मैं हमेशा इस बाग के तीन हिस्से करता हूं नाजरीन किराम माल आप अपना समझ रहे हैं ना ये माल आपका नहीं है इसमें आपके माल में बहुत सारे लोगों का हिस्सा है वो हिस्सा अगर आप नहीं देंगे तो याद रखिएगा कि या तो माल तलफ हो जाएगा या माल को अंदर जो बरकतें हैं वो नहीं आएंगी या फिर किसी ना किसी परेशानी से ये दो चार होगा ये बूढ़ा आदमी तीन हिस्सों में तकसीम कर लेता है पहला हिस्सा कहता है बाग के लिए रख देता हूं दूसरा हिस्सा अपने घर ले जाता हूं और तीसरा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में मैं खैरात कर देता हूं ये आज से नहीं मैं जमाने से यही करता आया हूं कि इस बाग का जो भी फल होता है इसमें जो भी खेती होती है फसल होती है मैं उसे तीन हिस्सों में तकसीम कर देता हूं इसी बाग में उन तीनों तकसीमों को करने के बाद अपना हिस्सा घर ले जाता हूँ बाग का हिस्सा बाग में लगाता हूं और यहीं से लोगों को जो उसके मुस्तकिन है उनका हिस्सा बांट देता हूं का बस 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 यही वजह है कि सब जगह सूखा पड़ा हुआ है अल्लाह ताला ने करम की रहमत की बारिश तेरे यहां बरसाई अगर अल्लाह के रास्ते में ईमानदारी से देंगे तो अल्लाह की रहमत आएगी उन दरवाजों से आएगी उन रास्तों से आएगी जिनका वहमो गुमान भी हमारी जिंदगी में कभी नहीं होगा लेकिन याद रखिए अगर नियत के अंदर फतूर होगा नियत के अंदर किसी भी तरह से खोट होगा तो हमारा सिर्फ ये नहीं कि उसका अजर आखिरत में नहीं मिलेगा बल्कि दुनिया में भी हमें अजाब झेलना पड़ सकता है और ये अल कलम में अल्लाह बयान किया एक बाघ वाला अल्लाह के रास्ते में खूब देता था लोगों को बुला बुला कर देता था उसका इंतकाल हो गया जब इंतकाल हो गया तो जितनी औलाद बची थी सब ने मशवरा किया कि अगर एक पेड़ के दो पेड़ के फल बांट देता अब्बा तो बात समझ में आती लेकिन बाग को तीन हिस्सों में तकसीम करता था और उसका एक हिस्सा मुस्तकिल गरीबों में बांटता था कितना उसने लुटा दिया तो सारे भाइयों ने उसकी बची औलाद ने यह फैसला किया कि इसके बाद एक फल भी नहीं देंगे किसी गरीब और यह नियत करके उन्होंने यह तय कर लिया कि बिल्कुल अंधेरे अंधेरे आएंगे सुबह नहीं होगी उससे पहले रात में चलेंगे और वहीं आकर अपने बाग में सारे फल तोड़ लेंगे और सुबह होने से पहले पहले मंडी जाकर बेच दें नियत लेकर निकले और जब निकले और बाग तक पहुंचे पास बाहत का सलीम कुरान बयान करता है कि अल्लाह तबारा ने पूरा बाग जला दिया अल्लाह ने आजाब भेज दिया आग का अब कभी इधर को जा रहे हैं कभी कोई भाई इधर को जा रहा है कभी इधर ढूंढ रहा है कह तो रास्ता भूल गए हम लोग गलत रास्ते से आ गए हमेशा दिन में आते थे रात में आए ना तो तारीकी की वजह से अपना बाग नहीं देख सके हम एक भाई ने कहा कि ऐसा नहीं तारीकी की वजह है ऐसा नहीं कि हम रास्ता भूल गए हैं अरे रास्ता तो हम भूले नहीं बल्कि बल नाहनु माहरूम हमारी नियतों में फतूर था हमें महरूम कर दिया गया है बाग यही है अल्लाह का अजाब आ गया है बाग यही है अल्लाह तबारा ने हमारी नियतों पर फैसला कर दिया है जैसी खराब नीयतें थी वैसा ही उसका अज्र हमारे सामने आ गया है तो अगर नीयतें खराब होंगी तो याद रखियेगा कि ये खराब नीयतें आखिरत में कोई फायदा कराएंगी नहीं बल्कि दुनिया में भी नुकसान दे साबित होगी कितने लोग हैं जिनको मैं मिसाल से बाकायदा नाम ले लेकर बता सकता हूं कि उनके माँ और बाप उनके वालिदैन उनके खानदान के बुजुर्ग लोगों को बड़ा नवाजते थे बड़ा नवाजते थे बड़ा नवाजते थे लेकिन बाप गए दादा गए देने वाले गए उनकी नियतों में फतूर आ गया उन्होंने गरीबों को देना कम कर दिया बंद कर दिया उसके बाद जकत से महरूम कर दिए गए उसके बाद पता चला कि खुद जक़ात लेने वाले बन गए। इसलिए अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के आजाब से महफूज रहना है तो इनफाक शबील का शौक पैदा करें हम लोग जज्बा पैदा करें हम लोग ये औलाद क्या है दुनिया की सीनत है लातुल्हुम्वाकुम विकला फरमाता है तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से कहीं तुम्हें गाफिल न कर दे ए नमा अमवाकुम ओलाद हुकुम फितना अल्लाह फरमाता है ये माल भी और ये औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है हमें समझना चाहिए ऐसा नहीं कहा कि औलाद को ना दें उसका हक है लेकिन यह भी नहीं है कि सब कुछ औलाद को दिया जाए ओलाद बेनमाजी है तो हमारी औलाद है औलाद शराबी है तो हमारी औलाद है औलाद जानी है तो हमारी औलाद है औलाद ऐश परस्त है तो हमारी, तो हमारी औलाद है आपको वो मालूम नहीं कि हजरत नूह अलीसरा तो, तो सलाम से ने क्या फरमाया था जब डूबने लगा बेटा और हजरत नूह ने फरमाया अल्लाह मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा तो अल्लाह ने फरमाया काल या नूह आलिक बार मालूम गारे मेरा बेटा मेरा बेटा ये तेरा बेटा नहीं है नूह अब और वजह ये नहीं बयान की कि तेरे नुतफे से पैदा नहीं हुआ तेरी बीवी से पैदा नहीं हुआ बल्कि ये कहा कि इसके अहमाल एक नहीं है हमारी औलाद के आमाल क्या है कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, ये पड़ोसी है ये रिश्तेदार है ये दोस्त का बच्चा है ये गरीब का बच्चा है कोई ख्याल नहीं हमें अपने बच्चों को चार चार पांच पांच तरह के सूट दिला रहे हैं सर्दी तो सर्दी के गर्मी है तो गर्मी के और कहते हैं और फैशन हो गया अब ये जूता चलेगा नहीं निकाल दो तो बेटा ये पता नहीं कि गरीब के पैर में चप्पल भी है कि नहीं बदन में कपड़ा भी है कि नहीं इस ताल्लुक से हमें जरा अपनी जिंदगी का मुशाह करना चाहिए कैसे कैसे लोग थे अल्लाह वाले हजरत सलमान फारसी को कौन नहीं जानता मदाइन का उन्हें गवर्नर बनाया गया पांच हजार दीनार माहाना उनकी तनख्वाह मुतय्यन की गई लेकिन तारीख का हवाला अगर पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा है कि यह सलमान फारसी महीना आने से पहले ही अपना सारा पांच हजार गरीबों में तकसीम कर दिया करता था और अपनी गुजरान कैसे करता था चटाई बुन बुन कर अपने घर का खर्च चलाता था गवर्नर वक्त का इतना बड़ा आदमी उसे मालूम था कि ये सारा पैसा यहां कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा इसे आखिरत के लिए पहुंचा दो वहां काम आएगा वह जन्नत मिलेगी वहां ऐश मिलेगा वहां सुकून मिलेगा वह नेमतें बट रही होंगी तो अल्लाह तबार व तआला मुझे भी देगा सईद इब्ने आमिर को, को नहीं जानता हिम्स के गवर्नर हैं सईद इब्ने आमिर हिम्स के गवर्नर हैं हिम्स से एक काफिला आया है हजरत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तु अमरमिन हैं उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद बहुत देर तक उस वक्त से काफिला से बातें की बहुत सारी रास की बातें भी उनसे मालूम करना चाहिए हिम्स के हालात उनसे मालूम किए उसके बाद अखीर में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तु ने फरमाया कि मुझे एक लिस्ट बना कर दो हिम्स के कमजोर गरीब मुफलिस लोगों की ताकि मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। नाजरीन ने किराम आपको ताजुब होगा इस वक्त ने जो लिस्ट सौंपी है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज को उसमें सरे फहरिस सईद इबन आमिर का नाम लिखा हुआ वक्त का गवर्नर वक्त का गवर्नर सईद इबन आमिर हजरत उमर फारूक ने देखा तो उनको ज्यादा ताजुब नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ वो जानते थे कि अल्लाह वाले ऐसे ही जिंदगी गुजारते चूंकि उमर फारूक की जिंदगी भी कुछ वैसे ही थी क्या नहीं था उमर फारूक के पास लेकिन सत्तर सेवन लगे कपड़े हजरत उमर फारूक अपने बदन पर डाले रहते थे सादा मिजाज सादा लिबास सईद ने आमिर का नाम देखा तो हजरत उमर फारूक ने चार हजार दिरहम और बास रिवायत में आता चार हजार दीनार दिए कि बतौर अमानत है जाने के बाद सईद आमिर को दे देना और यह कहना कि तुम्हारे अपने खास खर्च के लिए अमीरुल मोमिनीन ने दिया यह वक्त गया और जाने के बाद उसने ये जो अमानत थी वो थैली सईद इन आमिर को सौंप दिया सईद आमिर देखते ही रोने लगे ने कहा अरे मेरे शोहर क्या हो गया है कोई नागहानी आफत मदीना में आ गई है वक्त आया था मुलाकात करने आया है उसके बाद आप रोने लगे हैं का उससे भी बड़ी आफत आ गई कहा क्या कोई इस्लामी फौज कहीं हार गई है का उससे भी बड़ी आफत आ गई है क्या अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अमीरुल उलमिन इंतकाल फरमा गए हैं का मेरी नजर में उससे भी बड़ी आफत आ गई है कि क्या हुआ का बताऊंगा तब जब तुम मेरा साथ दो का मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं का फिर ऐसा करो कि कपड़ा लाओ और छोटे छोटे उसके अंदर टुकड़े करो उसने किए और करने के बाद किसी में चार दिनार किसी में दो दिनार किसी में पांच दिनार किसी में दस दिनार बांध बांध कर बीवी को दे दिया ये फला को दिया ये फलो पड़ोसन को दिया फला रिश्तेदार को दिया फला गरीब को दिया हो बेवा को दिया हो यतीम को दिया हो जब वो सारे चार हजार दीनार खत्म हो गए तब अल्लाह का नाम लिया शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इस आफत से मुझे बचा लिया मेरे नाजरी ने किराम जाना हमें भी अल्लाह के हिसाब व किताब अल्लाह किया हमें देना हम क्या लेकर जा रहे हैं यह हमने क्या कुछ अपने जाने से पहले भेज दिया कितनी तैयारी से भेज दिया है कितनी ईमानदारी से भेज दिया है ये तो तजिया करना ही पड़ेगा हमें इसका तो लेखा हमें लेना ही पड़ेगा अगर हम वहां भी खाली हाथ चले गए तो खाली हाथ जाने में बड़ी रसवाई होगी आज अगर हमारे पास अल्लाह ने पैसा दिया है तो उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करना चाहिए और यही अल्लाह तबार को ने फरमाया कि वह अनफ को मम्मा रज नाकुमक अत यादक अल्लाह के रास्ते में खर्च करो इससे पहले खर्च करो कि तुम्हें मौत आ जाए जब हम अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं इस दुनिया में तो क्या तो रखते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए करेगी इसलिए जो कुछ अल्लाह ने दिया है अपने हाथ से देने का शौक पैदा करें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ास तौर तो पर लॉकडाउन के बाद ये जरूरत और बढ़ रही है कि इसलिए कि बहुत सारे लोग बहुत परेशानी में है कारोबार टूट चुके हैं बड़े अच्छे अच्छे घराने टूट चुके हैं इस अफरा तफरी के दौर में हर आदमी पैसे से परेशान है अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तोफ़ी इनायत फरमा और इन फाक सभी की जो फजाइल अल्लाह तला बयान किए हैं उन्हें हमें हासिल करने की तोफ़ी नायात फरमा और अपने रास्ते में ज्यादा से ज्यादा हम लोग दे सकें उसका शौक पैदा फरमा आमीन व आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والسلام علیکم ورحمتullahi वबरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें